व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं भूपेंद्र पाल और आप देख रहे हैं पालटे यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं मैं MIUI 11 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि Xiaomi के डिवाइसेस में MIUI 11 का जो ग्लोबल स्टेबल रोम है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको बता दूं, ये Redmi के कुछ डिवाइसेज में मिला है, जैसे कि Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7S और Redmi Note 7 और Poco F1। तो मैं आपको बता दूं कि इनके भी कुछ मतलब क्लोज्ड ऐसे यूजर्स हैं जिनको ये दिया गया है। तो आपको मैं बता देता हूँ, आप भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करके आप भी अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको इसी वीडियो में यही बताऊंगा कि आप अपने इन चार डिवाइस में कैसे रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे पास ऐसे फोन है तो नहीं है, Redmi Note 7 Poco F1 कोई फोन नहीं मेरे पास, मेरे पास Redmi Note 4 है, उसमें आपको प्रैक्टिकल करके मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए लास्ट में। तो गाइस, मेरा ये Redmi Note 4 है, मैं इसमें आपको करके बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन में और फिर सिस्टम अपडेट में और 3 डॉट पर क्लिक करना है और चूज अपडेट पैकेज पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपने जो डिस्क्रिप्शन से जो फाइल लिंक फाइल जो डाउनलोड करी है डिस्क्रिप्शन से उसको सेलेक्ट करना है और ओके का बटन दबा देना है। तो आपकी ड्राइविंग चल रही है, फिर डाइक्रिप्टिंग चलेगी, उसके बाद जो आपकी जो रोम है ये मांगेगा रिबूट करने के लिए, तो आपको फ़ोन को रिबूट कर देना और आपकी रोम इंस्टॉल होने लग जाएगी, ठीक है। तो इसमें कांट वेरीफाई अपडेट बता रहा है, क्योंकि मैं ये रोम इसकी नहीं थी इसलिए इसमें इंस्टॉल नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको जो स्टेबल अपलोड इंस्टॉल करनी है वो इसी टाइप से इंस्टॉल करनी है। तो गाइस, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू।